Hello, dear students. Good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself, my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in a public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from other. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. बच्चों, आप सभी ने हिंदी व्याकरण में आप सभी के बच्चों ये लास्ट में निबंध है आपका जो है अनुच्छेद लेखन, ठीक है, जो है पिकनिक का आनंद। इसमें आज हम पढ़ेंगे पिकनिक का आनंद। बच्चों, पिकनिक तो सभी को अच्छी लगती है, इसके नाम से भी सभी को खुशी होने लग जाती है, बच्चों को तो खासकर, ठीक है बच्चों। तो पिकनिक क्या है और पिकनिक कैसे मनाएं, उसके आनंद के बारे में बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। इसमें सौरभ भाई है, भाई अशोक, सौरभ के बड़े भाई अशोक, ठीक है, जय, अजय, प्रवेश, नवीन, ये पिकनिक के लिए जाते हैं और वहाँ वो कैसे इंजॉयमेंट करते हैं, क्या क्या देखते हैं, उसके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बच्चों। आप भी बच्चों कभी अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स के साथ या कभी अपने स्कूल ट्रिप में या कहीं भी कहीं आप पिकनिक के लिए गए होंगे, ठीक है। वहाँ पर आप क्या देखते हैं, कैसे इंजॉयमेंट करते हैं, उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ लाइन बच्चे आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हो कि हमने पिकनिक का आनंद कैसे मनाया। इसमें सौरभ है ना, सौरभ उनके बड़े भाई, ठीक है, अजय और प्रवेश और नवीन पिकनिक के लिए जाते हैं, ठीक है। वो पिकनिक के लिए जाते हैं और वहाँ पे कैसे इंजॉयमेंट करते हैं, क्या क्या उनके साथ होता है, वे क्या क्या खाते हैं, क्या क्या खेलते हैं और कहाँ कहाँ मंदिरों के दर्शन करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। पिकनिक आनंद मीन्स क्या होता है, खुशी, ठीक है। पिछले रविवार, रविवार मतलब संडे, रविवार संडे को कहते हैं, सौरभ के बड़े भाई अशोक के साथ, सौरभ के बड़े भाई, ठीक है, अशोक के साथ मैं, अजय, प्रवेश और नवीन पिकनिक के लिए गए। कौन कौन पिकनिक के लिए गया था, सौरभ, अशोक, मैं, अजय, प्रवेश और नवीन पिकनिक के लिए गई, सभी हम पिकनिक के लिए गए। वहाँ पर हमने क्या किया, हम ब्रह्म सरोवर पर गए, ब्रह्म सरोवर पर गए जो कुरुक्षेत्र में है। बच्चों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में है, वो कुरुक्षेत्र की बात करें जहाँ वो घूमने गए। पहले हमने वो बताना कि हमने कहाँ घूमने गए, कुरुक्षेत्र, वहाँ पे हमने क्या क्या देखा, क्या क्या खेल खेले और क्या क्या खाया, ठीक है। हम ब्रह्म सरोवर पर गए जो कुरुक्षेत्र में हैं, हम कार से वहाँ पहुँचे, कहाँ से पहुँचे, कार के द्वारा वह वहाँ पहुँचे। पहले सरोवर के आसपास घूमे। इसमें सौरभ के जो ये बता रहा है ना, जो पिकनिक का आनंद वो बता रहा है कि मैंने पिकनिक का आनंद कैसे मनाया, वो कह रहा है कि पहले हम ब्रह्म सरोवर पर गए जो कुरुक्षेत्र में है, वहाँ हम पे कैसे पहुँचे, कार के द्वारा पहुँचे। उसके बाद उसने कहा कि पहले सरोवर के पास आसपास घूमे, वहाँ पर सरोवर हैं उसके आसपास हम घूमे। फिर वहाँ पर उद्यान समीन हम उपवन भी कह सकते हैं या बगीचा भी कह सकते हैं, ठीक है। उद्यान की घास में बैठकर कुछ देर बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हम सभी ने मिलकर जो उपवन है वहाँ की घास में बैठकर बातचीत की, एक दूसरे से बातें की, ठीक है। वो अपने बयान कर रहा है कि मैंने पिकनिक का आनंद कैसे मनाया, ठीक है, कैसे इंजॉय किया। उसके बाद पकड़म पकड़ाई का खेल खेला, पकड़ाई मतलब एक दूसरे को पकड़ना, ठीक है, पकड़ पकड़ाई का खेल तो सभी को पता होगा। वो कह रहे हैं कि फिर उसके बाद हमने पकड़ पकड़ाई का खेल खेला, सबने मिलकर खाना खाया। उसके बाद सभी ने क्या किया, सबने मिलकर खाना खाया।
आसपास की दुकानों से खिलौने खरीदे, जो हमारे आसपास की जो उस जहाँ हम घूमने गए थे कुरुक्षेत्र में, वहाँ की जो आसपास की दुकानें थे वहाँ पर उसने क्या किया, खिलौने खरीदे। बड़ीला मंदिर, वहाँ पे बड़ीला मंदिर तथा अन्य कई मंदिरों के दर्शन किए। बड़ीला मंदिर या फिर कोई अन्य मंदिर थे वहाँ पर, उसके उसने पहले दर्शन किए और शाम होने पर अपने घर लौट आए। अपने शाम होने पर क्या किया, और वे सब अपने घर लौट आए। इसमें जो मैं है, मैं मतलब जो जो पिकनिक का आनंद ले रहा है वो बता रहा है कि मैंने पिकनिक का आनंद कैसे लिया। पिछले रविवार सौरभ के बड़े भाई अशोक के साथ मैं, अजय, प्रवेश और नवीन पिकनिक के लिए गए। ठीक है, पिकनिक के लिए गए हम। ब्रह्म सरोवर पर गए जो कुरुक्षेत्र में हैं। हम कार से वहाँ पहुँचे, पहले सरोवर के आसपास घूमे, फिर वहाँ पर उद्यान की घास में बैठकर कुछ देर बातचीत की। पहले वहाँ कहाँ गए थे, पहले तो वह ब्रह्म सरोवर पर गए थे, और किसके द्वारा गए थे, कार के द्वारा पहुँचे। वहाँ पर पहले वो क्या थे, सरोवर के आसपास घूमे सभी, फिर वहाँ पर उपवन की घास में बैठकर कुछ देर बातें चीते की बातचीत की, फिर खेल खेला, पकड़ा पकड़म पकड़ कढ़ाई का खेल खेला, फिर उन्होंने कुछ खाना खाया। ठीक है, मिलकर खाना खाया उन्होंने, कुछ बातें की। ठीक है, उसके बाद सबने मिलकर खाना खाया, आसपास की दुकानों से खिलौने खरीदे। फिर उन्होंने जो कुरुक्षेत्र के आसपास की दुकानें थी वो खुली थी, वहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, जैसे खिलौने खरीदे। जैसे आप कहीं किसी के साथ घूमने जाते हो तो आपको बच्चों बहुत सी दुकानें मिलती हो जो आपको जो चीज़ आप खिलौने लेकर आते हो। ठीक है, आप वो बता रहा है कि मैंने वहाँ बहुत सी दुकानें देखी लेकिन मैंने वहाँ से खिलौने खरीदे। बड़ीला मंदिर तथा अन्य कई मंदिरों के दर्शन किए। वो कह रहा है कि मैंने बड़ीला मंदिर, अन्य और कई मंदिर थे जहाँ मैंने उसके दर्शन किए, वहाँ पे माथा टेका। ठीक है, सिर को झुकाया। वो कह रहा है कि इस प्रकार मैंने ये पिकनिक का आनंद मनाया। और शाम, जब शाम होने लगी तो वे अपने घर लौट आए। इस प्रकार उन्होंने पिकनिक का आनंद मनाया। इसी प्रकार बच्चे, आप भी अगर कहीं जाते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, या अपने किसी भी सके संबंधी के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ अगर जाते हो, तो वहाँ आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, खेल इंजॉय करते हो, खाना भी खाते हो, कुछ चीज़ें आप लेके भी आते हो, उसे पिकनिक कहते हैं। ठीक है, आप भी बच्चों पेरेंट्स के साथ जाइए, पिकनिक का आनंद लिए, आनंद मनाइए। ठीक है, और वो आनंद आप इस यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, बहुत से ऐसे हैं जो पिकनिक का बहुत आनंद मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार बच्चों ये आज का टॉपिक था, जो था पिकनिक का आनंद। होप बच्चों कि आप सभी को ये लर्न हो गया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।